स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.3 इंट्रो पार्ट। इसमें भी क्या है, दो टॉपिक अभी बचे हैं कि एक प्लेन डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ प्लेन नहीं होगा, फ्रॉम पॉइंट होगा, या डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। अब देखो, अब सुनो यार प्लीज, इसमें क्या करें, एक प्लेन है, उस प्लेन से कुछ दूरी पर एक पॉइंट होगा पी, उससे उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। पक्की बात है? चलिए अच्छा, तो देखते हैं किस तरीके से होगा ये। और डिस्टेंस जब भी फाइंड करना है, समझ लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात करते हैं ये लोग। तो अब क्या कह रहे हैं यार कि ये एक प्लेन है हमारे पास, ये एक प्लेन है, ठीक है जी। और इस प्लेन से इधर कहीं ये एक पॉइंट पी है, ये गिवन है पॉइंट एक्स वन, वाई वन और ये जेड वन, ये पॉइंट गिवन है। इस पॉइंट का यहाँ से हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, ये तो ऐसे आ जाता है यार पागल। तो आर वेक्टर और ये डी वेक्टर हमारा ये गिवन है, क्लियर है। अब कह रहे हैं कि इसका यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करो, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले वाली बात करूं ये होता है, और इसकी ये वेक्टर फॉर्म से होता है, और ए वेक्टर क्या होता है, जो गिवन पॉइंट है उसका पोजिशन वेक्टर, ठीक है जी। अच्छा, और इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, फिर इसका प्रूफ भी करेंगे, इससे बेस्ट एग्जाम्पल भी हम लोग करेंगे। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन सी जेड वन माइनस का डी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब समझ लो बस ये सब क्या है, ठीक है। अगर जो वेक्टर लिया है, अगर आपने एन वेक्टर लिया है, तो ए बी सी उस एन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं, और उस केस में ये डी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है, ये हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्लियर है। तो ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें। अब इसका प्रूफ भी देख लेंगे हम लोग यार, इसके प्रूफ भी करते हैं, ये चीज़ सब कहाँ से आती हैं। अब इसका लॉजिक समझिंग, सुनो क्या, अब वो ये कह रहे हैं जो ये पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पर एक ऐसा प्लेन लो जो कि इस प्लेन के वो क्या हो, पैरेलल हो, इस प्लेन के क्या हो, वो पैरेलल हो। तो इस प्लेन का जो भी नॉर्मल वेक्टर है, ये रहा यूनिट नॉर्मल वेक्टर, वही इस प्लेन का भी होगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, पैरेलल है। इस चीज़ को समझेंगे कैसे कि यार एक प्लेन ये रहा, एक कॉपी दो जरा, भैया कॉपी दो जरा, और एक प्लेन ये रहा, ये आपस में क्या है, अगर मान लो मैंने कहा ये आपस में पैरेलल है, तो जो नॉर्मल वेक्टर इसके लिए वर्क होगा वही तो इसके लिए वर्क करेगा, अगर ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस वाले का नॉर्मल वेक्टर है वही इस वाले का नॉर्मल वेक्टर होगा। तो ये प्लेन हमारा पाई टू है। अगर आपसे मैं ये कहूं कि भैया इक्वेशन ऑफ पाई टू बताओ, तो देखो जरा पाई टू एक कैसा प्लेन है जो इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, और इसका नॉर्मल वेक्टर वही तो है जो इसका होगा, यस और नो। तो उस प्लेन की इक्वेशन होती है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट दिस इक्वल टू जीरो। हमने पढ़ा कि एक प्लेन अगर किसी पॉइंट से होता हुआ जाता है और उसका नॉर्मल वेक्टर ये है, अभी तो अगर यहाँ पे ये लगा देंगे तो वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं होता, इसे लगा दिया तो सोलो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो टेंशन ना लेना बिल्कुल भी, ये कैसा बकवासगिरी है, सिंपल चीज है ये माइनस। अब यहां से लॉजिक है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो आर वेक्टर ये हो गया, ये उस माइनस वाला उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब एक बात सुनो, अगर जब ये इक्वेशन होती थी ये वाली, तो ऐसे केस में जो इधर होता था, जो भी इधर होता था, वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता था, पक्की बात है। तो ये आर डॉट एन कैप, तो ये जो है क्या ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है, पक्की बात है ना। अगर इससे हम लोग कंपेयर करेंगे r डॉट n कैप इक्वल समथिंग में जो भी होगा वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं होगा। तो इस प्लेन का यहां से हमको डिस्टेंस पता लग गया, यहां से मतलब ओरिजिन से जो भी इसका डिस्टेंस है वो निकल के आ गया, क्योंकि ये इक्वेशन किसकी है, पाई टू की। तो इसका नॉर्मल वेक्टर ये हो गया, मतलब ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो गया इसका, क्लियर है, ये बात समझ आ रही है ना हमको। तो लेकिन ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला हमको तो यार ये वाला, क्योंकि इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, ये बात समझ आ रही है या फिर नहीं, क्लियर है। तो एक बात सुनो, जो डिस्टेंस इसका यहाँ से होगा पूरे में से, इस वाले का डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो क्या ये वाला डिस्टेंस निकल के नहीं आ जाएगा, बात समझ आ रही है या फिर नहीं आ रही है, समझो बात को। जो ये
भैया इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन है पाई टू की। तो इस केस में ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इसके लिए हो गया, और इस केस में डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन यही तो होता है, यस और नो? ये टोटल डिस्टेंस है, उसमें से ये वाला डिस्टेंस हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस तो डी है यहां से लेके यहां तक, और इसका डिस्टेंस कितना है दिस, क्लियर है? तो ये डिस्टेंस आ गया, अगर ये मान लो पॉइंट पी है तो पी क्यू डिस्टेंस निकल के आ गया, ये हमारा पहली चीज। अब आप कहेंगे सर यहां तो फॉर्मूला ये है, यहां और कुछ नहीं है यार। पहली बात तो मॉडुलस के अंदर a माइनस बी और b माइनस ए का आंसर तो एक ही आएगा, ये हमने इन्होंने पहले लिखा, इन्होंने बाद में लिखा, आंसर तो एक ही होगा उसका। चलिए यहां पे ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, लेकिन अगर एग्जाम में दिया गया है नॉर्मल वेक्टर तो कुछ नहीं करेंगे, इसके मॉडुलस से क्या कर देते हैं हम लोग, डिवाइड कर देंगे, क्लियर? अब एक और डाउट कि सर ये जो आएगा डिवाइड, ये तो केवल इसी के पे आएगा, क्योंकि इसका ये आपने इसके साथ भी लिख दिया। अरे भैया इसलिए लिख दिया क्योंकि जब यहां पे केवल वेक्टर होता है तो ये कांस्टेंट होता है, ना कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है, और किसी कांस्टेंट में किसी का डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो रहेगा तो कांस्टेंट ही। अगर डी कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट ही है, ठीक है? तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया उनके बीच का, दो एक पॉइंट से किसी प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है? अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या, ए की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे एन वेक्टर की वैल्यू पुट करो, तो सिंपल हमारा यही निकल के आ जाएगा। क्रिक को आप कंफ्यूज मत होना कि सर ये वाला लगा है या ये, क्योंकि इसमें डी पहले आ रहा है। भैया मॉड्यूलस के अंदर दोनों का आंसर सेम आता है। क्या डाउट हुआ, क्या डाउट हुआ ये बताइए, क्योंकि हमने ये इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करी, ये एक पॉइंट गिवन है और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वही इसका नॉर्मल वेक्टर होगा, तो यहाँ से हमने निकाल दिए। कोई डाउट हो मल्होत्रा, पक्की बात है? चलिए अब इसे बेस एग्जांपल देख लेते हैं जो भी है। चलिए अच्छा, अब इस पर बेस एग्जाम्पल देखते हैं, क्या कह रहे हैं, फाइंड अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन। तो भैया कुछ नहीं करना यार, वैसे ही ये डिस्टेंस, ये पॉइंट है P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 2, 5, -3 और ये रहा प्लेन। इस प्लेन की इक्वेशन ये है, अगर ये वेक्टर फॉर्म में है तो सुनो ध्यान से रहा, ये P पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना, A, तो A वेक्टर की वैल्यू निकालो क्या होगी, 2i कैप + 5j कैप - 3k कैप। अच्छा सुनो, ये क्या यूनिट वेक्टर है, नहीं है, तो इसका मतलब पक्की बात है एन वेक्टर होगा ये, हो ना? क्योंकि 6i कैप - 3j कैप अगर इसका आप मॉडुलस निकालेंगे बन नहीं आएगा, तो पक्की बात है ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तो ये नॉर्मल वेक्टर होगा, और जब ये नॉर्मल वेक्टर है तो ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं होगा, ये फिर कांस्टेंट होगा। तो डी की वैल्यू कितनी, 4। अरे भैया सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो डिस्टेंस फॉर्मूले में, ए और इनका मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 2 = 12, 5 × 3 = 15, 3 × 2 = 6 और माइनस का डी कितना है 4 और मॉडुलस एन, तो 6 × 6 = 36, 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4, बस आंसर आ गया, ये हमारा डिस्टेंस निकल गया, क्लियर है? बस लास्ट